हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है इशिका वर्मा, मेरे चैनल का नाम है ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि राखी का त्यौहार आने ही वाला है और हम हर किसी चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही साथ अपने स्किन की तैयारी हम करना भूल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट के केमिकल वाले क्लींजर, फेस पैक और साथ ही साथ मॉइस्चराइजर से बच जाएं और आपके फेस पे बहुत ही अच्छा एक नेचुरल ग्लो भी आ जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 सिंपल स्टेप्स जो कि आपकी स्किन को फेयर भी करेगा और साथ ही साथ उस पर नेचुरल ग्लो भी लाएगा। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। सो स्टेप 1 जो है हमारा वो है क्लींजर। क्लींजर के लिए हमें यहाँ पे लेना है रॉ मिल्क। अगर आपके पास रॉ मिल्क ना हो तो आप यहाँ पे गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं। रॉ मिल्क को हम बहुत ही अच्छा क्लींजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको सिंपली एक कॉटन से इसके अंदर डिप करके अपने पूरे फेस पर इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड और विटामिन ए डी ई के जो कि हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा हाइड्रेट करते हैं। साथ ही साथ ये सारे विटामिन भी हमारी स्किन को मिल जाते हैं। इसके बाद आप किसी भी वेट टॉवल से अपने फेस को क्लीन कर लें। इससे हमारी स्किन किसी भी फेस पैक को लगाने से पहले अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाएगी। स्टेप 2 है हमारा फेस पैक। फेस पैक ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे चेहरे की सारी गंदगी को हटा दे, साथ ही साथ टैनिंग को भी रिमूव कर दे। इसलिए सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे कॉफी पाउडर। इसके बाद हमें इसमें मिलाना है 2 चम्मच गुलाब जल। अगर आपके पास गुलाब जल ना हो तब आप यहाँ पे मिल्क भी यूज कर सकते हैं। कॉफी पाउडर चेहरे की सारी गंदगी को रिमूव कर देते हैं, साथ ही साथ ये टैनिंग को खत्म करते हैं, साथ ही डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स जो चेहरे पे प्रेजेंट होते हैं उनको भी खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सो फेस पैक के लिए हमें सिर्फ इन 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत थी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो गुलाब जल होता है वो भी हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। फेस को क्लीन करने के बाद रॉ मिल्क से आपको इस स्टेप को जरूर फॉलो करना है। आप जब भी फेस पैक अपने फेस पे लगाएं तो ये बात आपको ध्यान रहे कि आप इसको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाएं। आप इस फेस पैक को अपने फेस पर, अपने हाथों पर, अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉफी पाउडर जो होता है वो कालेपन को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। अच्छी तरीके से सूखने के बाद आप चाहे तो इसे वॉश कर ले या फिर किसी भी गीले टॉवल से अपने फेस को क्लीन कर ले। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। आप यहाँ पे मार्केट का ही एलोवेरा जेल यूज करें तो बेटर है, क्योंकि फिर आप इस मॉइस्चराइजर को अपने घर में बिना फ्रिज के कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है ग्लिसरीन। मैं यहाँ पे 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। अगर आपने यहाँ पर 2 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है तो आप भी 2 चम्मच ग्लिसरीन ही इसके अंदर डालें। इसके बाद आपको इसके अंदर डालना है 1/2 चम्मच कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल ना हो तो आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों इंग्रेडिएंट को डालकर आपको इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जब तक कि इनका एक क्रीमी टेक्सचर बन जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्लींजर और फेस पैक लगाने के बाद कई लोगों के स्किन में प्रॉब्लम आती है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उनके लिए मॉइस्चराइजर वाला स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयली स्किन वाले भी इस मॉइस्चराइजर को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसे नाइट टाइम में भी इस मॉइस्चराइजर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल इसलिए यूज़ करा है क्योंकि ये हमारे स्किन पर से डेड सेल्स को रिमूव करते हैं और साथ ही साथ न्यू सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं। आप फेस पैक और क्लींजर को हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं, बट मॉइस्चराइजेशन अपनी स्किन की आपको डेली करनी है। आप इस मॉइस्चराइजर को अपने घर में स्टोर भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी फ्रेश चीज़ नहीं डाली है जिससे कि ये मॉइस्चराइजर ख़राब हो। ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा ग्लो देगा आपके फेस पर और साथ ही साथ आपकी स्किन को और भी ज़्यादा स्मूथ बना देगा। हाँ तो भाई, कैसे लगी आपको ये वीडियो मेरी। राखी का त्यौहार आने ही वाला है तो अभी जाके स्टार्ट कर दे अपने ये 3 सिंपल स्टेप्स जो कि है बिल्कुल केमिकल फ्री। और जाने से पहले आज की वीडियो आपको कैसे लगी हो ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही साथ बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।